अभी तो कुछ दिन पहले सॉइल टेस्टिंग कर रहे थे, ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों से कहा कि हम सॉइल टेस्टिंग करेंगे, और आय दोगुनी तो हुई नहीं उनकी। तो ये जो बुनियादी मुद्दे हैं कि चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, चरम सीमा पर अन्याय हो रहा है, और सरकार सुनने को तैयार नहीं है, देखने को तैयार नहीं है। क्या गड्ढे में गाड़ी के डिसबैलेंस होने से बच्चों की जान चली गई? आप मुझे बताओ पत्रकार साथियों, पिछले 6 साल में या 7 साल होने जा रहे हैं, इस सरकार ने कितनी बार कहा कि गड्ढा मुक्त करेंगे सड़कों को? क्या ये बदायूं की घटना उसकी वजह से नहीं हुई? अखबारों में छपा है कि भ्रष्टाचार और गड्ढे की वजह से डिसबैलेंस हुई गाड़ी और इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बच्चों की जान चली गई, और फिर डेंगू से जान जा रही है लोगों की। किसी जिला अस्पताल में इलाज नहीं है, दवाइयां नहीं है, ऑपरेशन नहीं मिल पा रहा। पीजीआई जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में बीजेपी के नेता, उनके पूर्व सांसद, उनके बेटे को इलाज नहीं मिला, उसकी जान चली गई। इसी पीजीआई में कई मंत्रियों की जान गई, अगर आपको याद हो, याद है कि नहीं याद है आपको? जिस समय कोरोना फैला था, बीमारी आई थी, इसी प्रतिष्ठित संस्थान में मंत्रियों की जान गई। ये जो जांच कर करके अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, कोई जिम्मेदार अगर है तो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो बजट नहीं दे रहे हैं। आखिरकार बजट कहां जा रहा है? आप बजट नहीं दोगे अस्पतालों को, ऑब्सोलीट मशीनों पर आप डॉक्टर्स को काम करने दोगे, पर आप डॉक्टरों का वेतन नहीं दोगे, आप एनवायरमेंट नहीं बनाओगे। और मैंने कल भी कहा था, आप पता करिए, लोहिया इंस्टीट्यूट, सेफी मेडिकल कॉलेज, पीजीआई या अन्य संस्थाओं में जिनको नौकरी मिल रही है, एक ही संस्था के लोग हैं, एक ही कोचिंग के लोग हैं, एक ही स्टेट के लोग हैं, इतने बड़े पैमाने पर नौकरी मिल जाने। अभी तो मैंने विधानसभा विधान परिषद की बात नहीं की है, आप सब जानते हैं। कल हमारे नौजवानों की साइकिल यात्रा टीवी पर कम दिखाई गई, हमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि सब सोशल मीडिया में सब चल रही है साइकिल, अभी भी दो पहिया अभी भी घूम रहे हैं। मुझे खुशी है कि इस मेमोरियल के लिए यंग आर्किटेक्ट्स, यंग इंजीनियर्स ने हमारा बहुत सहयोग किया। हम किससे इंस्पायर हों? दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स का, बड़े बड़े लीडर्स के सरकारों ने स्मारक बनाए हैं, दुनिया में जगह जगह बने हैं। समाजवादियों ने जयप्रकाश नारायण जी का यहाँ लखनऊ में बनाया था, और ऐसा समाजवादी म्यूजियम बना था कि देश में किसी लीडर का इस तरह का म्यूजियम नहीं बनाया, लेकिन उसको भी बर्बाद कर दिया सरकार ने। जब मैं उसके अंदर गया तो मैंने देखा था कि पॉलिथिन से, धूल मिट्टी से जयप्रकाश जी ढके हुए थे, और यही छिपाना चाहती थी सरकार। सरकार को समाजवादी सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। समाज में गैर बराबरी खत्म हो, जाति जनगणना हो, जो पिछड़े दलित हैं उन्हें आरक्षण मिले, कोई सरकार को परवाह नहीं है। सरकार आरक्षण छीनना चाहती है, सरकार तमाम महापुरुषों का इतिहास बदलना चाहती है, छिपाना चाहती है। इसीलिए टीन शेड लगाए थे, ताला लगाया था उसमें, इसीलिए मजबूरी में हमें गेट के ऊपर से चढ़ करके जाना पड़ा। और अगर अगली साल भी लगाएंगे गेट पे ताला, तो अगली बार भी इसी तरह कूद करके जाएंगे। इसलिए इस मेमोरियल जो बनने जा रहा है, मैं मुझे उम्मीद है कि नेताजी का मेमोरियल सैफई में बहुत अच्छा जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए मैंने ये प्रेजेंटेशन की। आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी ने हिंदी में बताया कि क्या क्या इसमें चीज़ें जुड़ रहे हैं, समय समय पर लोगों ने सुझाव दिए हैं, कोशिश होगी उन सुझावों को भी एकोमोडेट कर लें, उन सुझावों को भी शामिल कर लें, जिससे कि जिस जगह से नेताजी को सबसे ज़्यादा लगाव था, मैं सबसे पहले वहीं उनका मेमोरियल बनाने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी 27 से पहले वो मेमोरियल बनकर के तैयार हो जाएगा। मैं प्रेस के साथियों का धन्यवाद दूंगा, और एक बार फिर कहूंगा ये प्रेजेंटेशन कर दें, और उनका गाना आप आ जाना था।